नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हनुमान जी कलयुग के मात्र ऐसे देवता हैं जिनको अजर अमर का वरदान प्राप्त है। यह वरदान उनको माता सीता ने दिया था। कलयुग में उनकी उपस्थिति हम आज भी महसूस कर सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर हम सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्दी खुश होते हैं। हनुमान जी सभी ग्रह दोषों से मनुष्य को बचाते हैं और इसी वजह से इन्हें कलयुग के देवता भी कहा गया है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे कार्य बताएंगे जो मंगलवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी की सारी आराधना आपके लिए व्यर्थ है। दोस्तों, कुछ लोग हनुमान जी को खुश करने के लिए मंगलवार का व्रत रखते हैं, लेकिन जो लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखते हैं उन्हें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कोई जानबूझकर नमक का सेवन करता है तो हनुमान जी की आराधना का फल उसको नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ जो लोग मंगलवार के दिन मिठाई का दान करते हैं उन्हें उस दिन स्वयं मीठा नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जिस दिन जिस चीज़ का दान किया जाता है उसे उस दिन वो चीज़ ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा शराब मांस मदिरा से दूर रहें। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन सात्विक रहना ही सबसे अच्छा माना गया है। मांस मदिरा को इस दिन हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इस प्रकार के काम करते हैं तो अचानक कोई संकट आने के योग बनते हैं। इसके अलावा मंगलवार के दिन परंपराओं के अनुसार दाढ़ी या बाल कटवाना भी अशुभ माना गया है। इससे आपकी कुंडली में मंगल दोष लगता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।